कल सुबह 9:30 बजे। सर ये बताइए कि कुछ मांग बिहार को लेकर अभी इस सरकार में रहने के लिए डिमांड क्या होता है, क्या क्या डिमांड होता है सर? विशेष राज्य का दर्जा आप लोगों की मांग रही है ललन जी। डिमांड के आधार पर हम लोग एनडीए के साथ हैं, पूरी मजबूती के साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ रहेंगे। सर विशेष राज्य का दर्जा की मांग हम लोगों की रही है पहले। भाई आप अपनी बात कर रहे हैं, जो बात करनी होगी वो सरकार से होगी कि आपसे होगी। लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अग्निवीर और अग्निवीर पर अग्निवीर के रिव्यू को लेकर आपने मांग करी। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूसीसी पर भी क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो या डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। तो जातिगत जनगणना होगी? जातिगत जनगणना को देश की किसी पार्टी ने मना नहीं किया है। बिहार ने रास्ता दिखाया है, प्रधानमंत्री ने भी ऑल पार्टी डेलीगेशन में इसका विरोध नहीं किया है। इसलिए जातिगत जनगणना समय की मांग है और हम इसको परसों करेंगे। कोई प्री कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए ये हमारे दिल और दिमाग में है। बंटवारे के बाद बिहार की जो दुर्गति हुई है, जो पलायन हुआ है, जो बेरोजगारी है, जब तक उसको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं होगा ये असमानता दूर नहीं होगी। सर अग्निवीर योजना को हटाने की मैंने बता दिया, कोई प्री कंडीशन अमेंडमेंट की बात करेंगे या हटाने की बात करेंगे अग्निवीर योजना? नहीं, उसकी बातचीत होनी चाहिए। त्यागी जी, आप लोग अग्निवीर योजना की विरोध करते रहे हैं पहले जब इंडिया, हम सजेशंस देते रहे। चलिए सर, विरोध जारी है।